गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 5 की थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 5.4। इस एक्सरसाइज में हम लोग मनी पे कैसे हम लोग मल्टीप्लाई और डिवीजन का जो ऑपरेशन है कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि नॉर्मल हम लोग डिवीज़न करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि ₹118 को 6 से मल्टीप्लाई करें, तो जैसे कि हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं सिमिलरली वैसे ही करना है। ₹118 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, बस आगे रुपीज़ का साइन ज़रूर डालना है, भूलना नहीं है। 6 8 10 48, 6 1 10 6, 6 + 4 = 10, 0 नीचे लिखा, 1 कैरी, 6 1 10 6, 6 + 1 = 7, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 708 रुपीस। इसी तरह से अगर हमें बोला जाए डिवीज़न करने के लिए तो नॉर्मल डिवीज़न ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 4992 को डिवाइड करना है 16 से, तो जैसे हम लोग नॉर्मल डिवीजन करते हैं वैसे ही करेंगे। अब 6 3 48 पे जाएगा, ये 6 3 पे जाएगा क्योंकि 16 4 64 हो जाएगा, 64 जो है 49 से बड़ा हो जाएगा, दैट्स वाई 16 3 48, तो ये 3 पे जाएगा। 9 में से 8 गए 1, 9 ऊपर से उतारा, एंड 16 1 16, 32, 16 के टेबल पे 2 पे आता है, 16 2 32, तो ये होगी हमारी डिवीज़न। और हमारा जो आंसर है वो क्या आया है, ₹312। इसी तरह से आपके पास कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स भी हैं, लाइक जैसे अभी ये है कॉस्ट ऑफ अ शर्ट इज ₹1135, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 सच शर्ट्स। आपको एक शर्ट की प्राइस बता रखी है कि 1135 है, और आपको 6 शर्ट्स की जो प्राइस है वो फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब भी आपको एक चीज़ के बारे में पता हो और आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता करना हो, प्राइस एक का पता हो प्राइस और बहुत सारी चीज़ों का फाइंड आउट करना है, तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हमें बहुत सारी चीज़ों का प्राइस पता हो, एक का फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एक शर्ट का प्राइस गिवन है हमें 1135, और हमें 6 शर्ट्स का फाइंड करना है, तो हम एक का पता है ज़्यादा का फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमें अभी गिवन था कॉस्ट ऑफ अ शर्ट, सो स्टेटमेंट बनाएंगे पहले, कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इज ₹1135, सो कॉस्ट ऑफ 6 शर्ट्स इज ₹1135 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से कर देंगे। तो 6 5 30 3 कैरी, 6 3 18, 6 3 18, 18 + 3 = 21, 2 अगेन कैरी, 6 1 10 6, प्लस 6 + 2 = 8, एंड 6 1 10 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे 6 शर्ट्स का प्राइस। इसी तरह से कॉस्ट है 15 डजन बनानास की कितनी दी हुई है, ₹1440, और मैं कॉस्ट किसकी फाइंड करनी है, 1 डजन बनाना की। अब 15 डजन बनानास की प्राइस पता है, 1 डजन बनाना की फ़ाइंड करनी है, अब ज़्यादा की पता है, एक की फ़ाइंड करनी है, तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। सो हमें गिवन क्या है, 15 डजन बनानास इज ₹1440, सो कॉस्ट ऑफ
वन डजन बनानास इस रुपीज 1440 को क्या करेंगे हम लोग 15 से डिवाइड कर देंगे। नॉर्मल डिवीजन है, अब ये 9 पे जाएगा, 15 9 द 135 माइनस किया 9, माइनस करने भी हमारे पास 9 बचा, ऊपर से 0 उतारा, अब 15 15 6 तक कितना होता है 90, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। सो प्राइस ऑफ वन डजन बनानास इज रुपीज 96। इसी तरह से आपको एक्सरसाइज में भी फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन दे रखी है, और सेकंड में क्या दे रखा है आपको सिंपल डिवीजन दे रखी है। जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो, नॉर्मल डिवीजन करते हो, वैसे ही है। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड सम है ये आप खुद से करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। थर्ड सम देखिए, द कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर इज़ रुपीज़ 415, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 17 सच कैलकुलेटर्स। अब यहाँ पे भी आपको एक कैलकुलेटर का प्राइस दिया हुआ है 415, और आपको 17 कैलकुलेटर्स का फाइंड करना है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर एक चीज़ का प्राइस पता हो, ज़्यादा चीज़ों का फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 415 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि नेक्स्ट है आपको दिया हुआ है फोर्थ सम, मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ। आपको गिवन है प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम घी इज रुपीज़ 435। आपको फाइंड क्या करना है, प्राइस फाइंड करना है 18 किलोग्राम घी का। तो पहले आप प्रॉपर स्टेटमेंट बनाएंगे, प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम घी इज रुपीज़ 435। सो प्राइस ऑफ 18 किलोग्राम घी कितना होगा, क्या करेंगे, 435 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, एक का अगर प्राइस पता हो, ज़्यादा चीज़ों का फाइंड करना हो, ज़्यादा अमाउंट का फाइंड करना हो, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप क्या करोगे, 435 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 the 40 8 3 the 24 24 plus 4 is 28 2 carry 8 4 the 32 32 plus 2 is 34। नीचे एक प्लेस छोड़ेंगे, 1 5 the 5 1 3 the 3 1 4 the 4 ऐड किया, 8 plus 5 is 13 4 plus 1 is 5 5 plus 3 is 8 एंड 4 plus 3 is 7। तो 18 किलोग्राम घी का जो प्राइस है वो कितना होगा, 7830 एंड दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह से जो आपको सेवन सम है उसमें भी आपको 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस गिवन है 73 रुपीज़, और आपको 12 लीटर पेट्रोल का प्राइस फाइंड करना है। तो इसमें भी आपको 1 लीटर का प्राइस पता है, 12 लीटर का फाइंड आउट करना है, तो वो आप खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होनी है। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ सम देखिए, यहाँ पे आपको 14 ग्लासेस का प्राइस गिवन है 2880, और आपको एक ग्लास का कॉस्ट फाइंड करना है। सो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, प्राइस ऑफ 24 ग्लासेस इज रुपीज 2880। सो प्राइस ऑफ 1 ग्लास, यहाँ पे कॉस्ट लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे कॉस्ट प्रेफर करिएगा, वैसे तो सही भी चीज़ होती है। कॉस्ट ऑफ 1 ग्लास, अब ज़्यादा ग्लासेस का प्राइस पता है, 1 ग्लास का फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 2880 को 24 से डिवाइड कर देंगे। ट्वेंटी फोर वन द ट्वेंटी फोर एट में से फोर गए फोर यहाँ पे ज़ीरो एट ट्वेंटी फोर टू द 48 होता है माइनस किया ज़ीरो, अब ऊपर से ज़ीरो उतारी, अब 24 0 द 0 होता है।
800। एक ग्लास का कितना प्राइस आ गया, कितनी कॉस्ट आई? ₹120। इसी तरह से आपको यहाँ पे सिक्स सम है, 19 ज्योमेट्री बॉक्सेस का प्राइस गिवन है और वन का फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सिमिलरली एट सम है, उसमें भी आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको 25 किलोग्राम का प्राइस पता है ना और एक किलोग्राम का फाइंड करना है, तो इसके लिए आप डिविजन करेंगे। नेक्स्ट है टेंथ सम है, फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको यहाँ पे भी नॉर्मल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के सम दे रखे हैं पहले सिक्स पार्ट्स में, तो 13 8 तक कितना होता है 104। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 8। आप यहाँ पे रुपीस भी मेंशन करेंगे, जहाँ पे ठीक है 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितने रुपीस आ गए, 25 रुपीस को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया रुपीस 150। सिमिलरली ये थ्री पार्ट्स हैं, जहाँ पे मल्टीप्लाई बोला है मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ डिवीजन है तो सिंपल डिवीजन करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे है देयर आर डैश रुपीस 100, देयर आर डैश 100 रुपीस नोट इन 1000 रुपीस। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, देयर आर डैश 100 रुपीस नोट्स इन 1000 रुपीस। अब 1000 रुपीस में आपको फाइंड करना है कि 100 रुपीस के कितने नोट्स होंगे, तो आप क्या करोगे, 1000 को 100 से डिवाइड कर देंगे। सो 100 वन दी 100, 100 में से 0 माइनस किया, सॉरी 100 में से 100 माइनस किए तो 0, ऊपर से 0 उतारा, अब 100 0 0 होता है, सो देयर आर 1000 रुपीस नोट्स इन रुपीस 100। सिमिलरली यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है देयर आर डैश रुपीस, देयर आर डैश 50 रुपीस नोट्स इन 300। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 300 को 50 से रफ में डिवाइड करके देख लेंगे, 30 को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, आंसर 6 आ जाएगा। सो दैट्स वाई देयर आर 650 रुपीज़ नोट्स इन 300। ऐसे सब मैंने आपको पहले भी करवाए थे, सिमिलरली वैसे ही हैं, जैसे कि आई पार्ट में बोला है देयर आर डैश 20 रुपीज़ नोट्स इन रुपीज़ 500। तो हम क्या करेंगे, 500 को 20 से डिवाइड करेंगे, 20 to the 40, 50 में से 40 माइनस किया 10 आ गया, ऊपर से 0 उतारा तो 25 द 100, 100 में से 100 गए 0, रिमाइंडर 0 आ गया, सो देयर आर 20 रुपीज़ नोट्स होंगे किसमें, 500 रुपीज़ में। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप बाकी के जो सम्स हैं वो खुद से ट्राई करेंगे, बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सिंपल ही डिवीज़न है जैसे कि हम पहले करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है 5 वो ख़त्म होता है। थैंक यू क्लास।